अगर आप इस वीडियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं फोन का डब्बा खोलूंगा, अनबॉक्सिंग होगी, डब्बे के बीच में क्या क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास 30,000 तक का बजट है और इस 30,000 रुपए में वो कंफ्यूज्ड हैं कि IQ की तरफ से 9SE लें या नियो 6 लें। ये वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली ये बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो ये पैसे हैं आप वो किस फोन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक राइट डिसीजन होगा। लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी, वेलकम टू माई चैनल टेक विद कॉस्टी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वीवो का सब ब्रांड ही है IQ। IQ मार्केट में जाना जाता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। IQ के जितने भी फोन हैं वो मोस्टली गेमिंग सेंट्रिक है। कुछ फोन ऑलराउंडर भी IQ बनाता है, बट मोस्टली अगर आप IQ का फोन यूज करेंगे ना तो आपको यूजर एक्सपीरियंस में बहुत मजा आने वाला है। हालांकि IQ के अपने कोई सर्विस सेंटर नहीं है। जितने भी वीवो के सर्विस सेंटर हैं, आपके फोन में अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है आप वीवो के सर्विस सेंटर में जाके अपना फोन रिपेयर करा सकते हैं। और अभी इंडिया में करीबन 600 से ज्यादा आपको वीवो के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। आज का जो कंपैरिजन है IQ की तरफ से नियो 6 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी अवेलेबल है, आप जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और IQ की तरफ से 9SE के बीच में। इस वीडियो को थोड़े पॉइंट्स में हम तोड़ने वाले हैं जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। सबसे पहले हम स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। दोनों फोन में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं और 6.62 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इन दोनों फोन को अगर आप सनलाइट में यूज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम ही स्मूथ फंक्शन करता है। प्राइस पॉइंट के कारण नियो 6 की बॉडी प्लास्टिक है मगर बहुत ही प्रीमियम है। आपको देख के या पकड़ के बहुत अच्छा फील लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वेयर एज 9SE थोड़ा सा महंगा है, करीबन 4-5 हज़ार रुपये का वहाँ पे प्राइस गैप है और आपको ग्लास पैक मिल जाता है। अगर मेरा ओपिनियन माने तो नियो 6 मैं होता तो आपकी जगह चूज़ करता, क्योंकि फ़ोन को पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है, फ़ोन को यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा फील आता है। अब जब मैंने ये पॉइंट कह ही दिया है कि आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं नियो 6 चूज़ करता, ये क्यों चूज़ करता बाकी पॉइंट्स में चलिए डिस्कस करते हैं। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन रखी है। नियो 6 में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मैंने पर्सनल लेवल पे इसको यूज़ किया है और मेरा बहुत ही फेवरेट चिपसेट है। एकदम हीटिंग इश्यूज नहीं है, कंपैटिबिलिटी फोन में कोई लैग नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको यूज़ करके। वेयर एज 9SE में आपको 888 प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से जो नया है, काफी फास्ट है, बहुत अच्छा है, बट गर्म भी उतना ही होता है। आप जानते हैं कि 888 मैं पर्सनल लेवल पर यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज्यादा इसमें हीटिंग इश्यूज आती हैं। मतलब कंपैरिजन अगर 870 के कंपेयर में अगर 888 को रखें तो 888 में काफी ज्यादा हीटिंग इशू है, करेक्ट। आप इन दोनों में कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, चाहे आप 8128 ले सकते हैं, 12256 ले सकते हैं, इरेस्पेक्टिव आपको प्रोसेसर अलग मिलते हैं। ये दोनों फोन कंपनी की तरफ से एंड्रॉयड 12 में लॉन्च हो जाते हैं और कंपनी वालों ने बोल दिया है कि आने वाले वक्त में इसमें आपको सिक्योरिटी पैचेस के भी अपडेट मिलेंगे और होपफुली एंड्रॉयड 14 या एंड्रॉयड 15 तक के अपडेट भी आपको मिलेंगे। ये दोनों फोन में आपको मिल जाते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आया है, सिर्फ प्रोसेसर का है। एक तरफ 870 है नियो 6 में और 9SE में आपको 888 मिल जाता है। अब बात करते हैं फोन के 5G बैंड्स के बारे में, जो इशू बहुत बड़ा है। नियो 6 में सिर्फ आपको 4 बैंड मिल जाते हैं, वेयर एज 9SE में आपको 8 से ज्यादा बैंड मिलते हैं। कंपनी से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो 4 बैंड जो नियो 6 में दे रहे हैं वही 4 ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं इंडिया में, इसी वजह से उस कंपनी ने 4 रखा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो पता नहीं, जब फ्यूचर में इंडिया में 5G लॉन्च होगा तब इस बारे में कभी बात करेंगे। बट अभी अगर आप फोन प्लान कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको 5G में 4 ही बैंड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। नियो 6 में आपको 4700mAh की बैटरी मिल जा रही है जिसमें आपको 80 वॉट्स का कंपनी की तरफ से सुपर फास्ट चार्जर मिल रहा है। मैंने सुपर फास्ट चार्जर काफ़ी वैरायटीज के यूज़ किए हैं, कंपनी कुछ भी क्लेम कर ले 10 मिनट 15 मिनट वगैरह, ये सच नहीं है। आपको इन जनरल आधे घंटे से लेकर 40 मिनट मान के चलना पड़ेगा, 0 से लेकर 100% आपके फ़ोन को चार्ज करने में लग जाएंगे। ऑन द अदर साइड 9SE कम्स विद 4500mAh की बैटरी और जिसमें 66 वॉट का चार्जर आपको मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इशू है, मगर आप अगर इस तरह के यूज़र हैं जहाँ पे आपको फटाक से फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है, आपको कहीं भी निकलना है, जल्दी से आपने फ़ोन चार्ज कर लिया, तो आई थिंक नियो 6 बेहतर डिसीजन होगा। अब जब हमने बैटरी के बारे में बात कर ही दी है तो बैटरी ड्रेन आउट के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गेमिंग। अब आप BGMI खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं, इन दोनों फ़ोन में इन जनरल कोई लैग नहीं है। आप टॉप मोस्ट रेजोल्यूशन में हाई परफॉर्मेंस पे गेम यूज कर सकते हैं। आप मल्टीप्लेयर में भी फोन अगर खेल रहे हैं, आपका वाईफाई कनेक्शन घर पे अच्छा है, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे सेल फोन पे गेम खेलने में। दोनों फोन ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है 9SE 888 के साथ है। मैंने जैसा कहा था कि हीटिंग इश्यूज है,
कई बार आपका फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है जब आप गेम खेलते हैं और गर्म होने के कारण बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। रिव्यू में ऐसा देखा गया है कि आप बहुत अच्छी भी गेमिंग करें तो आपकी बैटरी फिर भी करीबन 10 से 12 घंटा लास्ट करती है सब कुछ मिला के, मतलब ऑब्वियसली आप 10-12 घंटे तो गेम नहीं खेलेंगे, सब मिला के सारे दिन में ऑल पर्पस में 9AC की बैटरी इतनी लास्ट कर जाती है। वेयर एज नियो 6 की बैटरी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है क्योंकि आपको वहां पे 870 स्नैपड्रैगन मिल जाता है जिसकी हीटिंग इश्यूज नहीं है कंपेयर टू 888। आप भी यहां पे गेम खेल सकते हैं, सेम फीचर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा फील मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, नियो 6 में आपको दो मोटर मिल जाते हैं। अब दो वाइब्रेटर मिलने के कारण क्या होता है, फोन में एक 4D वाली फील आती है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, धक्का लग गया, आपने गोली चलाई तो आपका फोन जिस तरह वाइब्रेट करता है ना, आपको बहुत अच्छी फील आती है। आपको ऑलमोस्ट फील आती है कि आप प्लेस्टेशन के किसी जॉयस्टिक को लेकर गेम खेल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कैमरा के पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन दोनों फोन में ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3.5mm के जैक नहीं मिल जाएंगे। आप इन दोनों फोन में माइक्रो SD कार्ड डाल के अपना स्टोरेज भी नहीं बढ़ा सकते हैं। कंपनी की तरफ से अगर आपको 128 वाला मॉडल लेते हैं, 256 वाला मॉडल लेते हैं, आपको उतना ही स्पेस मिलेगा। आपको डुअल सिम लगाने की जगह तो मिलती है मगर आप माइक्रो SD नहीं डाल सकते हैं। कैमरा फीचर की बात करें ना, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। 9AC और नियो 6 में मोस्टली कैमरा के फीचर सेम है। अब ये वीवो के ब्रांड की तरफ से आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वीवो का कलर टोन भी आता है थोड़ा सा, मतलब आपको अच्छा देखने मिलेगा। कोई भी फोटो, चाहे आप खेत की फोटो खींचे, गाय की फोटो खींचे, आप आसमान की फोटो खींचे, हर चीज में आपको थोड़ा सा पिंक ज्यादा, थोड़ा सा ब्लू ज्यादा, आप किसी भी इंसान की सेल्फी से फोटो ले लें वो फोटो आपको अच्छी दिखेगी, कलर करेक्टेड दिखेगी, क्योंकि AI वीवो बहुत ही अच्छा यूज करता है एज फार एज कैमराज आर कंसर्न। छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटो लेना चाहते हैं तो नियो 6 यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। 9AC में अल्ट्रा वाइड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल में आपको बेटर क्वालिटी फोटो प्रोड्यूस करता है, मगर अगर आप वीडियो की बात करते हैं, वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से नियो 6 में वीडियो रिकॉर्डिंग बेहतर होती है। ये दोनों फोन में ही आप 4K शूट कर सकते हैं अप टू 60fps, 30fps, जस्ट दैट 60fps में आपको स्टेबिलाइजेशन नहीं मिल जाती है, 30fps में आपको मिलेगी। अगर आप वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो नियो 6 बेहतर है। अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटो लेना पसंद करते हैं, आपको मैक्सिमम आपका टारगेट ये है, तो आपके पास 9AC की जो ऑप्शन है वो बेहतर होगा अगर आप लेना चाहें तो। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल के रेंज में दोनों फोन ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लो लाइट में नियो 6 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब है, 9AC की बेहतर है एज फार एज कैमरा इज कंसर्न। इसके साथ प्रोसेसर का कुछ लिंक नहीं है, कैमरा एकदम सेपरेट एक सब्जेक्ट होता है फोन में, मगर ऑल इन ऑल अगर आप सोचें तो नियो 6 एज अ फोन काफी बेहतर है। अब मैं अपने कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि ये दोनों फोन प्राइस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 4-5 हज़ार रुपए का फर्क है। कई बार क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के बाद ये फर्क 6-7 हज़ार रुपए का भी हो सकता है, करेक्ट। 27 हज़ार से लेकर 33 हज़ार तक या फिर 28 हज़ार से लेकर 34 हज़ार तक, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में ये दोनों फोन आपके लिए फाइट कर रहे हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नियो 6 लेता, करीबन 4-5 हज़ार रुपए मेरे बच जा रहे हैं। और मैं अगर अपने आप को एक गेमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ तो 2-3 हज़ार रुपए में एक बहुत बढ़िया सा मैं गेमिंग के लिए हेडसेट ले लेता, जो मेरे पैसे भी बच जाते और मेरा फोन भी बेहतर होता। अब मैं नियो 6 का साइड इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपेयर अगर करें तो नियो 6 नया फोन है, 870 जो प्रोसेसर उसमें दिया जा रहा है उसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है, काफी ज्यादा स्टेबल है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा जस्टिफाई कर रहा है, वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जस्टिफिकेशन है। थोड़े नेगेटिव साइड है, वो आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिल जाता, अगर वो पॉइंट पे आप लड़ रहे हैं तो फिर आप 9AC जा सकते हैं, मगर अगर ओवरऑल आप फोन को जज करेंगे जहां पे 4-5 हज़ार रुपए आपके बच जा रहे हैं, आप एक गेमर हैं तो उस पैसों से करीबन 2-3 हज़ार रुपए में एक अच्छा सा आप गेमिंग हैंडसेट खरीद सकते हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस करेगा अगर आप नियो 6 को लेकर फोन को यूज कर रहे हैं। नियो 6 का जो गेटअप है हालांकि वो प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी में है मगर फोन दिखने में फाड़ है, बहुत मजा आएगा आपको फोन देखने में भी, फोन को यूज करने में भी। और इस प्राइस रेंज के ब्रैकेट में 27-28 हज़ार या 29 हज़ार आप कितने में डील क्रैक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका बैंक या क्रेडिट कार्ड के साथ, नियो 6 कंप्लीट विनर। तो मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि इन दोनों फोन के बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो नियो 6 लें। नेक्स्ट मंथ OnePlus की तरफ से Nord 2T भी लॉन्च कर रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 9R का एक एस वर्शन भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। इन द मीनवाइल आप अगर चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर इन दोनों फोन को लेकर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, मैं पर्सनल लेवल पे जाके जरूर से आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस कंपैरिजन टेस्ट में नियो 6 है विनर मेरी तरफ से, आप अपना व्यू भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।